अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई ब्रिज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर वकास अली। लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरह से हम एक न्यू कैनवस कस्टमाइज कर सकते हैं और ऑल डॉक्यूमेंट हम ओपन किस तरह से कर सकते हैं। हम एक न्यू कैनवस क्रिएट करते हैं और उसमें हम यहां से मैं कोई एक कैनवस सेलेक्ट कर लेता हूं, क्रिएट। ओके, यहां पे हम फोटोशॉप का जो व्यू है वो पहले देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, टूल बार्स कौन कौन सी हैं। ओके, यहां पे आपको राइट साइड पे जो आपके टूल्स की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं और यहाँ पे हिस्ट्री है, जो जो हम इसमें फंक्शंस ऐड कर चुके होंगे, जो जो हम इसमें कमांड्स अप्लाई कर चुके होंगे, वो हमें यहाँ पे हिस्ट्री में शो होते जाएंगे। इस तरह से अभी हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाई है तो हमें जस्ट वही शो हो रही है एंड टाइटल। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई भी हम इसमें इंसर्ट करें ऑब्जेक्ट उसकी प्रॉपर्टीज शो होंगी। अभी प्रॉपर्टीज इसकी जो शो हो रही हैं वो जस्ट बैकग्राउंड कैनवस की। उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे जो टूल्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे टूल्स के साथ हम काम करेंगे फोटोशॉप में। उसके बाद ये जो आपको एंटाइटल वन के नाम से यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट का टैब शो हो रही है, ये इसी डॉक्यूमेंट की टैब है। इसमें अगर हम एक और न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करें तो उसकी टैब यहाँ पे आगे ओपन होगी और इस तरह से हम इकट्ठी 7-8 जितनी डॉक्यूमेंट्स के साथ इकट्ठा काम करना चाहिए हम ओपन कर सकते हैं, वो यहाँ पे आगे शो होती रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे जो भी टूल आप सेलेक्ट करोगे इस डॉक्यूमेंट टैब से ऊपर वाली लाइन में आपको इस टूल की प्रॉपर्टीज शो होंगी। सबसे पहले यहाँ पे होम आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप होम व्यू पे चले जाएंगे और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो मूव टूल के ऊपर, यहाँ पे मूव टूल की प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी। सबसे पहले मूव टूल का आइकन है, उसके बाद ऑटो सेलेक्ट की फंक्शन है, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको एनेबल डिसेबल क्यों करते हैं, ये आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेयर है, ग्रुप में आप काम कर सकते हो, लेयर में काम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स हैं। उसके बाद ये अलाइनमेंट्स की कुछ ऑप्शन हैं जो कि अभी लॉक्ड है, इसको अभी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद ये तीन डॉट्स हैं, ये अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन की अलाइनमेंट कर सकते हैं और अलाइनमेंट टू कैनवस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3D मोड है, 3D मोड जो है वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो एडवांस फोटोशॉप में इस्तेमाल होता है। जैसे ही आप माउस को मूव टूल या किसी और टूल के ऊपर लेके जाएंगे तो उसका छोटा सा एक क्लिक प्ले हो जाएगा जो कि आपको बताता है इस टूल का इस्तेमाल। मूव टूल को हम मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट करते हैं उसको मूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहां से एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेता हूं, ये जो टूल आपको नजर आ रहा है जो मैं अभी सिलेक्ट करने जा रहा हूं ये है शेप टूल। जैसे ही मैंने शेप टूल सिलेक्ट किया यहां इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई, शेप टूल की प्रॉपर्टीज सामने आ गई। मैं यहां से शेप्स पाथ पिक्सल सेलेक्ट करके शेप ड्रॉ कर सकता हूं। अगर मैं शेप के ऊपर रखूंगा टिक तो शेप ड्रॉ होगी, अगर मैं पाथ को टिक करूंगा तो पाथ ड्रॉ होगा, अगर मैं पिक्सल को टिक करूंगा तो खाली पिक्सल्स ड्रॉ हो जाएंगे। अभी मैं शेप के ऊपर रहता हूं, बेसिक शेप जो होती हैं वो हम ड्रॉ करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल है, जस्ट आपने सेलेक्ट करना है रेक्टेंगल और इस तरह से माउस बटन को होल्ड करना है और ड्रैग कर लेना है।
ब्लैक बॉक्स जो साथ इसके छोटा सा नजर आ रहा है उसमें आपको विड्थ हाइट नजर आ रही है। अगर आपको ये बिल्कुल स्क्वेयर बनाना है तो शिफ्ट बटन होल्ड कर लें माउस का क्लिक छोड़े बगैर, इस तरह से आप बिल्कुल स्क्वेयर शेप बना सकते हैं। अगर आप शिफ्ट बटन को रिलीज करते हैं तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, विड्थ अलग साइज की बना सकते हैं, हाइट अलग साइज की बना सकते हैं। मुझे बिल्कुल 500 बाय 500 का स्क्वेयर चाहिए तो मैं इसको यहाँ से माउस बटन रिलीज करता हूँ। जैसे ही मैंने माउस बटन रिलीज किया इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ऑटो ओपन हो चुकी हैं। इन प्रॉपर्टीज में हम इस शेप को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे विड्थ है 500 पिक्सल्स, यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना है, पिक्सल्स जो px लिखा होगा उसको साथ सिलेक्ट नहीं करना। 500 बाय 500 लिखने के बाद एंटर करें तो जो आपकी शेप है वो रीसाइज हो जाएगी। एक्सिस को आपने नहीं छेड़ना, ये विथ हाइट के साथ खुद ही सेट हो जाते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ पे प्रॉपर्टीज में शेप्स की, बेसिक शेप्स की, वहां पे है फिल कलर, स्टॉक कलर, स्टॉक के पिक्सल्स और स्टॉक की शेप। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और बाकी की जो शेप्स हमारे इस शेप टूल में है उनको इंसर्ट करके उनको एडिट करना सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल्स को क्रिएट करेंगे और उनके साथ प्ले करके देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ईब्री प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की फ्री ऑनलाइन लर्निंग से हर कोई फ़ायदा उठा सके।